6 जुलाई 2017 गीतांजलि गार्डन रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं। सुबह इस समय 7 बज चुके हैं। मैं बंदर भोज के लिए रवाना हो रहा हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। हमारा लोगों से ये कहना है कि बंदर को क्या खिलाएं, क्यों खिलाएं। किसी भी संकट में अगर आपको राहत पाना हो, किसी भी संकट में, तो आप बंदर को खिला के देखें। बंदर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई हम उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। आजकल तो धर्म जो है वो धंधा बन चुका है। कुछ भी बात करो, पैसा पहले लेके आओ, मंदिर जाओ तो पैसा दे के आओ, कहीं जाओ तो पैसा दे के आओ। बीच बीच में हम पेड़ पौधों को भी दिखा रहे हैं, देखिए अब इनको उखाड़ के वहाँ लगाना है। ये है मनी प्लांट, विश्व की सबसे अच्छी प्रजाति है ये मनी प्लांट। आप ये देख रहे हैं घर हमारी मैसेज श्रीमती जी सत्यभामा मिश्रा जो रिटायर हैं इस समय, अध्यापिका थी, प्रधान अध्यापिका, तो वो बंदर के लिए रोटी तोड़ रही हैं। बाहर गाय को भी अंदर किया है, बाहर खड़ी थी। कुत्ते भैया अंदर आराम कर रहे हैं। ये 6 साल के मेहमान हो गए, ये भी इतने पड़े हुए हैं। तो बंदर खिलाने का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े संकटों से आपको राहत मिल सकती है। आप करके देख लें। बंदर को क्यों खिलाएं, मैंने ये बता दिया। बंदर को क्या खिलाएं, आप देखिए सस्ते वाले आम मिल जाते हैं। देखिए अभी कल खरीद के लाए हैं, इतना सारा आम हमको ये 60 रुपये में मिल गया। कोई दब गया है, मान लीजिए कोई हल्का सा काला पड़ गया है, लेकिन है बढ़िया, बंदर सब खा लेगा। तो ये 10 किलो, कम से कम 10-15 किलो आम होगा ये हमारे ख्याल से। ये उनका चना हो गया, राधे बाबू का, राधे चांदवानी का। ये रोटी जो है वहाँ आता है सुखो बाबू के यहाँ से, और कई लोग डाल जाते हैं आके। तो ये सब देख रहे हैं। खाद पानी कल रात तक हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, या औजार खुरपी खुरपा सब रखा हुआ। ये कल तमाम निशा शर्मा गोभी पेड़ दिया, हमने कहा लगाएं, भी बड़ी पर्यावरण पशु प्रेमी हैं ही हैं वो, तो कुछ पौधे निकलते हैं तो लोगों से कहते हैं भैया आओ आके ले जाओ। अब हमको किसी बड़े विद्यालय में जिनके पास साधन हो, तो ये नोलीना है जो फुहारा ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा ये पेड़ है, ये 10,000 का पेड़ है। ये हम किसी को फ्री में देने के लिए तैयार हैं। आमें अपना खुदा के दे जाएं, अपने कॉलेज में कहीं गेट पर अंदर लगा दें, कहीं लगा दें। ये 10,000 का पेड़ है, देखिए हम आपको, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही, कैमरा से लेके जाने में हमको दिक्कत होगी वहाँ पर, तो एक नमूना मैं दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि बंदर को जो है सीधे सीधे नहीं कि आम और सब रोटी हो वो हो, आप बंदर के लिए वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूँ ले लीजिए आप, सूखा सादा गेहूँ, मन हो तो उसको भिगो दीजिए, और नहीं तो आप उसको ऐसे कच्चा रख दीजिएगा, वो कच्चा गेहूँ बंदर बड़े प्रेम से खा लेगा, उसका पेट भरेगा। तो संकट, किसी भी संकट से बचने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। इससे बड़ी ना कोई हनुमान जी की पूजा है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, और अगर है तो हमें कोई बता दे। तनिषा शर्मा पपीते का बीजा लाई 40 रुपये का, हमको हंसी आ रही थी, लेकिन चलिए बुद्धिमान महिला है वो, हमने कहा चलो बीज का दान महादान होता है, 40 रुपये में तो नामालूम कितने पपीते लोग खाएंगे, कितने पशु पक्षी खाएंगे उसको, कितनी चिड़िया खाएंगी, वो 40 रुपये उनका जो है वो 40,000 के बराबर काम करेगा। तो मैंने बंदरों को बता दिया ये सब है। भुवन सिंह से भी यही कहते हैं कि आम हमसे पूछ के दिया करो, किसी फल वालों के पास जाओ, कहो कि भैया हमको बंदर के लिए आम चाहिए, तो बंदर वाले आपको आम निकाल के छांट के दे देगा। बंदर अपने मतलब का खा लेगा, बाकी वहीं गिरा देगा। तो इसकी गुठली और छिलके को जो है वो गौ माता खाएंगी। तो ये हमने बंदर को खिलाने का आपको तरीका भी, इसको जा रहे हैं कटवाने के लिए, और काट काट के झोले में भरा जाएगा। हमारी बड़ी दुर्दशा होगी जब बंदर के आम लेके जाएंगे ना, कोई हमारे कंधे पर बैठेगा, कोई यहाँ
यहाँ बैठ जाएगा, सिर के ऊपर बैठेगा, वो यहाँ सब आमे आम हो जाएगा, मक्खी भिन भिनाएंगी, फिर लौट के आके नहाएंगे। तो बड़ी देखिए, जब तक आपकी दुर्गति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी। वो दुर्गति का मतलब नहीं कि आप पेट के बल चले जा रहे हैं दर्शन करने, आप दर्शन करने पेट के बल मत जाइए, कोई कोई भगवान आप ऐसा नहीं चाहता है। भगवान, अरे भगवान का भाई हनुमान जी क्या चाहते हैं, बंदर को खिलाओ जाके, बंदर की सेवा करो, काल भैरव आपसे क्या चाहते हैं, हैं वो पूजा नहीं चाहते हैं। वो देखिए ये कुत्ता है, 6 साल से है, ये देखिए आराम से लेटा हुआ है, ये देखिए, देखा आपने, 6 साल हो गए इनका, पैर आगे तक टूट गया था, लंगड़े हैं, अभी हमारी यहाँ मेहमान बन गया तो पड़े हैं, दो रहे वो तो मर गए अब तक। इन लोगों की ज़्यादा ज़िंदगी होती नहीं, तो एक नमूना दिखा रहे हैं कि सेवा की भावना होनी चाहिए आपकी। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप भूल जाइए कोई पूजा पाठ। और हम कल्लू मेहरोत्रा को कई बार बताया, आज भी उनकी कल रात में वीडियो डाली गई है अयोध्या वाली, वो बैगनी और पकौड़े और गुलाब जामुन छन रहा है, बट रहा है, फ्री में बट रहा है, हजारों लाखों आदमी को खिलाया, तो क्या उनको कौन सा पुण्य मिला सवाए उनके साथ धोखा होने को। अगर यही अगर केवल वो बंदर भोज करें, वो बाल भोज करें, केवल बच्चों को खिलाने, गरीब बच्चों को बुला करके, देखिए कल्लू कल्लू हो जाए। लेकिन वो अपने आगे किसी के मानते नहीं हैं, उनमें यही सबसे बड़ी कमी है। जब नुकसान होता है तब आंखें खुलती हैं उनकी। हमने कई बार समझा, हमने कहा बाल भोज करो, बंदर भोज करो, भौरे सुर महीने में एक बार गाड़ी तो भेजो, वो कौन ये हमको गद्दा वाले मिले, वो भी कोई सहाय गुप्ता और कौन कोऑपरेटिव बैंक के पीछे उनके पास भी गाड़ी है, वो सब भौरे सुर के नाम से, भौरे सुर बाबा पता नहीं क्या बात, सबको निकाल बाहर कर देते हैं। सुखो बाबू की गाड़ी जाती थी, वो भी बंद हो गई, ये मामला क्या है। हमको तो यही लगता है कि अगर आप मन लगा के कोई सेवा का भाव करेंगे, सही दिशा में करेंगे, जैसे आप बंदर को गाय को रोटी खिलाते हैं, अरे भैया गाय को रोटी खिलाने का मतलब जो है वो पुरानी परंपरा चली आई है, उसके पीछे कोई रीजन था। तो गाय को अगर आसन निकाला जाता था ताकि गाय के महत्व को लोग समझें, तुलसी के पौधे को आंगन में घर में क्यों लगाया जाता था, उसके पीछे कोई रीजन है, जैसा कि हर आदमी उससे उसके गुण से उसका लाभ हो, उसकी पूजा हमारे यहाँ जिससे भी लाभ होता था उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि हम लोग सबसे सनातन धर्मी हैं और सबसे बड़े वफादार हम लोग हैं। अगर हमसे ज़्यादा किसी धर्म में कोई वफादारी हो अब हमको बता दीजिए ज़रा, आप हमसे बात करें, आप हमसे बात करें आ करके, हम अंधविश्वास वाली बात नहीं करते हैं। अब ये बंदर खाएगा तो ये हनुमान जी की महापूजा है, अब पत्थर के हनुमान के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लोग फूंक रहे हैं, चले जाइए कहीं चले जाइए, वो बालाजी हैं, वो हजरतगंज के हनुमान जी, वो फलाने गंज के हनुमान जी, अरे सब हनुमान जी तो हैं, पहले बंदर तो खिलाओ, बंदर कभी खिलाया नहीं, बंदर की सेवा की नहीं, और हनुमान के भक्त बन गए हैं। कोई हनुमान ऐसा चाहेंगे कि बंदर भूख से मरे और आप उनके नाम से आप खुदे खाएँ बैठ करके, ये तो बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है। आपके पिताजी अस्पताल में पड़े हों और पिताजी के नाम से आप सड़क के ऊपर भंडारा कर रहे हों, और पिताजी को सुबह से शाम तक आपने एक कप चाय भी नहीं दिया जा करके, तो और पिताजी से आप आशीर्वाद मांगने जाएंगे तो पिताजी तो मारेंगे, अगर छड़ी बकली रखी होगी, और बजरंगबली के पास जाएंगे उधर के अपना गदा एक आपके ऊपर वो पटक देंगे, अरे कमीने हमारे बंदर भूख से मर रहे हैं, इसलिए हम साधु अकेला रायबली में लगता है पूरे विश्व का उसने ठेका ले रखा है, चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो या बंदर हो, सब वही करते 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 एक आदमी है, बताइए सुबह के टाइम अभी जाना, फिर ठीक 9 बजे हमको डाखाने जाना है, 6 तारीख हो जाता है, सिटीजन का पैसा ससरा जमा होने का नाम नहीं लेते हैं, क्यों, उनका एक नियम है कि आप इतने बजे आइए बैठिए, वो सर्वर गायब है, वो सांस गायब है, वो क्या कंप्यूटर में नहीं होता है, ससुर गायब, सांस गायब, फिर वो बिजली आती है जाती है, वो नाटक झेलो, घंटों कल मैं बैठा था तो श्रीमती जी का सिटीजन का पैसा जमा हुआ, वही हम लोगों की आमदनी है कुल, अभी हम सब काटे जा रहे हैं, इनमें जो थोड़े कड़े वाले हैं उनका रख दी हम, उनका कल दे दे रहे, अब एक ही दिन इतना आम लेके जाना बड़ी दिक्कत हुई, और इसके लिए हम आम के लिए लाएंगे अभी प्लास्टिक की कड़ी वाली बोरी,
उसी में भरेंगे। अब अकेले बताइए कितना बड़े बड़े काम है, लेकिन ये इससे बढ़ के हनुमान जी का अगर कोई भंडारा हो तो हमें बता दो, बड़े मंगल पर लुटाने वालों, जरा हमें शर्म करो और कुछ हमसे बात करवा करके। मन की मानी चुके समाज हमारा अंधा है, समाज में लोगों को बांट दिया, वाह 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 खाए, वाहवाही किए हैं लोग धर्म नहीं करते हैं, वाहवाही करते हैं, यहाँ मरो, अबे चट्टे आम को काटना छाँटना, अंदर से क्या गल, केवल गल गया है आम, रोटी झोले में तोड़ी जा चुकी है, चना रखा हुआ है, अब मैं अब निकलने जा रहा हूँ, सब अभी यहाँ अभी सफाई कर दें, सब पूरा खाद पानी फैला हुआ है, तो मैं रवाना होने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, और यही हम लोगों को बताते हैं कि भैया बुद्धि से काम करो। गीता में क्या लिखा है, केवल गीता पढ़ो, कल्लू में रुक, आज गीता पढ़े होते ना, गीता के अनुसार काम कर किए होते तो आज कल्लू कल्लू हो गए होते, लाखों करोड़ों रुपये उसने फूंका होगा इसी भोज भंडारे में, वो सेवाएं उनको खिलाते हैं जो महा एक नंबर के दुष्ट हैं। आप कहेंगे आदमी 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 कहाँ है। खैर, अंत में हम अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं इजराइल को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने इतना सम्मान दिया और इतना प्यार जताया। भारत का सौभाग्य, एकजुट हो जाना चाहिए भाई, आतंकवाद जो है, देखिए माँ मांस में माँ शब्द पहले लगता है, ठीक, मांस मांस खाने वाला मार की बात करेगा, मांस और मार, मांस खाएंगे तो मार की बात करेंगे। तो इसराइल में जो है वहाँ मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है, मैं रोज अपने उसके ऊपर देख रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि भारत का एक भी आदमी अगर मोदी के खिलाफ बोलता है तो हम समझेंगे कि उसके बराबर बेशरम तो कोई होगा ही नहीं, वो उसको बेशरम कहें, कुत्ता कहें, जो भी कहे वो कम होगा। जो मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में प्रथम लहरा दिया है, अभी कोई माइक लाल पैदे नहीं हुआ, अब पूरे यूपी में राम का रोल अदा कर रहे हैं हमारे योगी जी, अभी करोड़ों रुपए 19 लोगों को जो बड़े खास जरूरतमंद थे, वो 1 करोड़ कितने करोड़ रुपए कितना ध्यान नहीं उन्होंने उनके लिए मंजूर किया है, उनकी सहायता के लिए, ये राम का रोल अदा कर रहे हैं योगी जी, और मोदी जी के चरणों की धूल, यहाँ के जिला अध्यक्ष यादव जी से मैंने कहा है, दिलीप यादव जी से, अब देखियो कब उनके चरण के धूल ला के देते हैं, हमने कहा उनके हाथ का पन्नी छुआ हुआ हमको ला के दे दीजिए, लो हाँ हाँ करेंगे, लेकिन फिर चुप लगा के बैठ जाते हैं, हैं सज्जन आदमी लेकिन बहुत जरूरत ज़्यादा सीधे हैं, तो सीधा होना भी बहुत गड़बड़ है, अरे भाई कुछ काम भी तो होना चाहिए ना, और बाकी बहुत सज्जन आदमी हैं, और जो भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। जय श्री राम, 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 जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।